2,35,00,000 कैश और 1 किलो सोना मिल जाए, मगर गहलोत साहब का रिएक्शन मैंने देखा था उस दिन, कोई उनके चेहरे पर कोई स्मित नहीं। जनता चाहने पर बनकर कांग्रेस सरकार को गायब कर लेने वाली है, क्या जवाब देना नहीं बनता? ऊपर से सवाल कर रहे हैं। चले साहब, गहलोत साहब का चश्मा ही जाति का है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर गहलोत साहब सचिन के लिए अच्छा दो वाक्य बोलते इतना मेरा इज्जत नहीं। कांग्रेस की भ्रष्टाचार लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। कई सारे गबन के मामले, यहाँ तक कि सचिवालय में 2,35,00,000 और 1 किलो सोना, पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रालय की अलमारी से 2,35,00,000 कैश और 1 किलो सोना मिल जाए, मगर गहलोत साहब का रिएक्शन मैंने देखा था उस दिन, कोई उनके चेहरे पर कोई सिनक नहीं था। आराम से जवाब दे, मैंने भ्रष्टाचार के प्रति इतना ठंडा भूख किसी का नहीं देखा है। मैं जब राजस्थान आना शुरू किया तब हमारे कुछ नेताओं ने मुझे कहा था कि साहब, सोच समझ कर रणनीति बनाना, गहलोत साहब जादूगर। मगर मैंने आज पूरा दौरा करके मन बनाया है कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को गायब किया है, नौकरियों को गायब किया है, खाने पीने की चीज को गायब किया है, अच्छी कानून और व्यवस्था को गायब किया है। अब जनता ने मन बना दिया है कि इस बार जनता जादूगर बनकर कांग्रेस सरकार को गायब कर लेने वाली है और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मुद्दा लाल डायरी का मामला कौन उठा रहा है नहीं है, मैं गहलोत साहब को कहता हूँ, लाल डायरी के मुद्दे को तो भाजपा के कार्यकर्ता वाचा दे रहे हैं। सवाल आपसे राजस्थान की जनता कर रही है कि क्या है लाल डायरी, क्यों डर रहे हैं? आपके एमएलए ने ही इसको बाहर निकाला है, क्या जवाब देना नहीं बनता? ऊपर से सवाल कर रहे हैं। चले साहब, गहलोत साहब का चश्मा ही जाति का है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर गहलोत साहब सचिन के लिए अच्छा दो वाक्य बोल दे इतना मेरा इनसे निवेदन, अगर बोल सकते। गहलोत साहब आप कह रहे हैं कि हमेशा जी, गहलोत साहब आप कह रहे हैं कि गुजराती आकर यहाँ के राजस्थान में मारवाड़ी को हराना चाहते हैं। चले साहब, ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं, अब एक भी प्रत्याशी गुजराती नहीं है, सभी की सभी सीटों पर राजस्थान के ही धरती के पुत्र और बेटियां चुनाव लड़ेंगे। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।